सोशल मीडिया के जमाने में बात का बतंगड़ बनते देर नहीं लगती है। ऐसा ही कुछ साउथ फिल्म अभिनेत्री रश्मिका मंदाना के साथ हुआ है। पुष्पा की श्रीवल्ली उर्फ अदाकारा रश्मिका मंदाना इन दिनों सिने प्रेमियों के निशाने पर है, जिसके बाद उन्हें कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से बैन किए जाने की मांग भी उठने लगी है। अब हाल ही में अदाकारा रश्मिका मंदाना ने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री पर उन पर लगने वाले बैन को लेकर चुप्पी तोड़ी है। अदाकारा हाल ही में रूस में रिलीज अपनी फिल्म पुष्पा के प्रमोशन के बाद देश लौटी है, जिसके बाद अदाकारा लगे हुए बैन पर चुप्पी तोड़ते हुए अपनी बात रखती हैं। यहाँ जाने अदाकारा ने क्या कहा है। अदाकारा ने हाल ही में पापराजी से बात करते हुए इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है। अदाकारा ने कहा, मुझे पर्सनल इश्यूज पर बात करने की जरूरत नहीं है। बाहरी लोगों को नहीं पता है कि अंदर क्या हो रहा है। मुझे कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में बैन नहीं किया गया है। लोग कई दफा ओवर रिएक्ट करने लगते हैं। जब लोगों ने मुझसे कांतारा पर मेरी प्रतिक्रिया मांगी थी, उस वक्त फिल्म को रिलीज हुए महज 2 दिन ही हुए थे। अब ये तो लोगों पर है कि वो मेरी बात किस तरह से लेते हैं और कैसे समझते हैं। मुझे कन्नड़ फिल्मों में काम करने का ऑफर मिलेगा तो मैं जरूर करूंगी। फिलहाल मैं दूसरी भाषाओं की फिल्मों के साथ व्यस्त हूँ। रश्मिका मंदाना का ये दो टूक जवाब साबित कर रहा है कि अदाकारा को कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में बैन नहीं किया गया है। दरअसल कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने पहले कांतारा नहीं देख पाने की बात कही थी, जिसके बाद ही लोग उन्हें ट्रोल करने लगे थे। अपनी ही भाषा की बड़ी फिल्म पर रश्मिका मंदाना का सुस्त रिस्पॉन्स फैंस को नहीं भाया था। अब अदाकारा ने साफ कहा है कि वो अपनी भाषा के सिनेमा से प्यार करती हैं और इसका सम्मान भी करती हैं। साथ ही अदाकारा ने कांतारा की सफलता पर खुशी जताई है और फिल्म की पूरी टीम और मेकर्स को बधाई दी है।